नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप पालक की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पालक की खेती की पूरे 10 पॉइंट बताई जाएगी जो कि वैज्ञानिक द्वारा रिसर्च की गई जानकारी है। अगर आप इन पॉइंट को फॉलो करके खेती करते हैं पालक की, तो बेहतरीन उत्पादन भी आप ले पाएंगे, अधिक कटाई भी आप कर पाएंगे और कम से कम समय में आपका पालक तैयार भी होगा और सही समय पर मंडियों में जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं पालक की खेती कैसे की जाती है। पूरी वीडियो को देखना है आपको सही विधि से समझने के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी फसल उगाने के लिए जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जिसमें से पहली उपयुक्त मिट्टी, दूसरी उपयुक्त जलवायु, तीसरी उपयुक्त तापमान एवं चौथी जो पॉइंट है, जो सबसे उन्नत पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह उन्नत किस्में, पांचवी खेत की तैयारी कैसे करें, छठी खेत की तैयारी करते समय खाद एवं उर्वरक की मात्रा, सातवीं सिंचाई कैसे करें, आठवीं खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, उसके बाद रोग नियंत्रण कैसे करें और दसवीं जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, उत्पादन कैसे बढ़ाए। तो पहली अगर उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए, तो पालक की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए सही मिट्टी का जानना भी जरूरी है, क्योंकि आप अगर अच्छी मिट्टी का चुनाव करेंगे तभी तो आपको बेहतरीन उत्पादन मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, पालक की खेती ऐसे तो आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी उत्पादन लेनी है तो आपको इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करना चाहिए। और बात करें मिट्टी में पीएच मान कितना होना चाहिए, जिस खेती में आप खेत में कर रहे हैं उस मिट्टी का पीएच मान टेस्ट कराएंगे तो 6 से 7 के बीच होना चाहिए पीएच मान। किसान भी वो बात कर लेते हैं उपयुक्त तापमान की, तो सामान्य तापमान में अच्छे से विकास करते हैं पालक के पौधे। बीज अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, और वही पौधे के विकास करने के लिए बात करें किसान भाइयों, तो 30 डिग्री तापमान तथा अधिकतम और न्यूनतम 5 डिग्री तापमान तक ये सहन कर सकती है। तो पालक की खेती के लिए 5 से 30 के बीच तापमान है, 35 भी है तो चलती है किसान भाइयों। उसके बाद अगर बात की जाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारा पालक की उन्नत किस्में। पालक की उन्नत किस्में मैं पहले यहाँ पे दो आपको उन्नत किस्में सजेस्ट कर देता हूँ। एडवांटा गोल्डन सीड्स का मुलायम, यह एक F1 हाइब्रिड वैरायटी है जो आपको 25 से 30 दिन में पहली कटाई इसकी हो जाएगी। ये आपको 5 से 6 कटाई इसकी आप कर पाएंगे। ये एडवांटा गोल्डन सीड्स की मुलायम वैरायटी है। उसके बाद जो दूसरी वैरायटी आती है एडवांटा गोल्डन सीड्स का, ये आती है हरित शोभा। यह भी आपको 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी पहली कटाई के लिए। ये भी काफ़ी अच्छी उत्पादन देती है, इसकी भी खेती आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कुछ वैरायटी आपको सजेस्ट किया जाए, तो अर्का अनुपमा। अर्का अनुपमा जो वैरायटी है 40 दिन बाद में जो है तैयार होती है। इस वैरायटी में लगने वाले पौधे की पत्तियाँ देखने में गहरे हरे रंग की और आकार में बड़ी चौड़ी होती है। यह वैरायटी IIHR 10 और IIHR 8 का संकर तैयार की गया है। उसके बाद ऑल ग्रीन किस्म है, और उसके बाद पूसा ज्योति है। पूसा ज्योति वैरायटी की बात करें तो ये आपको 45 दिन का समय ले लेती है, लेकिन इसकी जो कटाई है आपको 10 बार हो जाएगी आपको मैक्सिमम पूसा ज्योति का, तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके बाद जुबेनेरियन ग्रीन है, ये भी आपको 40 दिन में कटाई होगी, इसकी 30 टन की पैदावार आपको प्रति हेक्टर के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये तो हमारा जो चौथी पॉइंट था उन्नत किस्में, वो हो गए डिस्कस। इसके आगे की जो हमारा पॉइंट है, पालक की फसल के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। अगर सही से खेत की तैयारी करेंगे तभी तो शुरुआती विकास उसका अच्छे से होगा, जो भी जरूरत की ऊर्जा है, पोषक तत्व है, वो भरपूर मात्रा में पौधे को मिल पाएगी। तो खेत की तैयारी सही से करना है, और खेत की तैयारी करते समय आपको उर्वरक की सही मात्रा डालनी है, और सही उर्वरक आपको जो फायदेमंद हो वो डालनी है। तो इसके लिए अगर बात किसान हुई, तो सबसे पहले आपको 2-3 गहरी जुताई कर देनी है, जिससे मिट्टी की जो पुराने अवशिष्ट पदार्थ वो बिल्कुल तरीके से नष्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, जितना पुरानी गोबर खाद हो सके उतना पुरानी आप डालेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालना है। उसके बाद क्या करना है किसान भाइयों, एक बार उसकी जुताई करवा देनी है, जिससे मिट्टी और गोबर की खाद मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें रासायनिक खाद आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो 40 kg फॉस्फोरस, 30 kg नाइट्रोजन और 40 kg पोटास की मात्रा को आपको आखिरी जुताई, जो फाइनल स्टेप आपकी होगी खेत तैयारी के, उस समय आपको खेत में छिड़क देना है और मिट्टी में मिला देना है। जिस समय पे आप गोबर की खाद डाले हैं उस समय पे पौधे की कटाई के समय आपको यूरिया की लगभग 20 kg मात्रा खेत में छिड़क देना है, जिससे दूसरी तीसरी जो कटाई है वो जल्द जल्द होती रहेगी आपको।
किसान भाई उसके बाद बात करें पालक की खेती कर रहे हैं तो पौधे में सिंचाई, इसके पौधे की अच्छी वृद्धि करने के लिए उन्हें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि पालक एक साग वर्गीय फसल है, इसलिए इसे ज़्यादातर सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसलिए बीजों की रोपाई के तुरंत बाद आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। छिड़काव विधि में इसके बीज सूखी भूमि में आवश्यकता होती है। पालक के बीजों की सिंचाई को आरंभ में 5 से 7 दिन के अंतराल आपको सिंचाई करते रहना चाहिए किसान भाइयों, जिससे पालक की ग्रोथ भी जल्द होगी और जल्द कटाई भी होगी। बात करें पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण, पालक के पौधे में खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता होती है। खरपतवार से इसके पौधे में कीट रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे इसकी पैदावार काफ़ी कम मिलती है। और पालक की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक या रासायनिक दोनों विधि का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपको पेंडी मेथालीन की उचित मात्रा छिड़काव कर देना है। अगर किसान भैया आप वही प्राकृतिक विधि से करना चाहते हैं तो निराई गुड़ाई की विधि है, लेकिन प्राकृतिक विधि ही बेहतर होगी। किसान भैया ये रही पालक की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए जानकारी के साथ, किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।